सन 1720 के अशरे में यहाँ समुंदर, बहादुर मछेरन माई कुलाची, उसका ख़ानदान और चंद साहिली झोंपड़ियों के सिवा क्या था। अगले 125 बरस तक भी कुलाची बलोच माहीगीरों का एक गांव ही रहा, बस किला बंद हो गया था। मगर 19वीं सदी के चौथे अशरे में सिंध पे अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद कुलाची की किला बंद बस्ती का दरवाज़ा और किस्मत खुलती चली गई। पहले छावनी बनी, फिर जदीद बंदरगाह, फिर बंदरगाह का नाता रेलवे लाइन के जरिए पंजाब तक फैले ज़रई मैदानों से जुड़ा। इंतज़ामी और तिजारती मरकज़ वजूद में आने लगा तो मकामी हिंदू ताजरों के अलावा गुजराती, पारसी, गोवानी, मुंबई के यहूदी और केरला के मालाबारी भी बसने लगे। यूं इस कसीर नस्ली खमीर से कराची उठा। 20वीं सदी के शुरू में एक जदीद बल्दियाती निज़ाम ने हरचंद्र राय विशनदास और जमशेद नसरवांजी जैसे बेलौस मेयर पैदा किए। अंग्रेज़ इंतज़ामिया और बल्दिया ने सड़क, पानी, बिजली, निकासी, ट्रांसपोर्ट, फलाही तालीमी और सेहत इदारों और नई तामीरात की हौसला अफजाई की। शहर में कसीरुल कौमी सियासत की कोंपले फूटने लगी। जब 20वीं सदी के तीसरे अशरे में सिंध मुंबई प्रेसिडेंसी से अलहदा हुआ तो कराची एक खिलता हुआ, साफ सुथरा, बालिग शहर बन चुका था। और फिर 1947 का सावन भादो आ गया। एक नया मुल्क वजूद में आने की खुशी और अनजाने खदशात ने साथ साथ कराची का रुख किया। बसे बसाए हिंदू कूच करने लगे और बरसगीर के कोने कोने से आने वाले मुसलमान इस खला को भरने लगे। आबादी देखते ही देखते 4 लाख से उछल के 10 लाख तक जा पहुंची और फिर कोई इंतहा न रही। इनको कहाँ बसाते, तो इनके लिए इन्होंने बनाई ये डिस्प्लेस पर्सन्स कॉलोनीज। ये जो सिंधी गोट थे वहाँ कब्जा करके और इनको बसाया गया उनकी आसाइश की ज़मीनों पे। और ये आपका सारा इलाका जो है ट्रांसलियारी जो कहलाता था, जहाँ खेत थे, जैसे लालू खेत था, ये सारे महाजर कॉलोनीज बनी। प्लान बनी, अनप्लान नहीं थी। अलॉटमेंट्स में बहुत हेरा फेरी थी, डिस्क्रेशनरी पावर्स थे कमिश्नर्स को और KDA के और KIT KIP होता था पहले, कराची इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट KIT, और उन्होंने इन्हें खूब इस्तेमाल किया और लाके अपने रिश्तेदार जानने वाले लाके बसाए और अपने जानने वाले जो दलाल थे उन्हें ज़मीनें उनके हवाले की, तो बहुत बड़ी लूट थी। हाथ की ये सफाई तो बाइख्तियारों ने दिखाई।
प्रूव हुआ है ना, वो मैं समझता हूँ कि पहले तो एक धचका लगा था 65 की वॉर में, 65 की वॉर जब हुई हिंदुस्तान के साथ, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए यहाँ की कल्चरल लाइफ के अंदर। मिसाल के तौर पे इंडियन फिल्में बैन हो गई और हिंदुस्तान से आर्टिस्ट आते थे यहाँ परफॉर्म करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाते थे, ये सब सिलसिला ख़त्म हो गया और एक टेंशन की कैफियत पैदा हो गई। लेकिन उसके बाद जब 71 की जंग हुई है ना, तो वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, यानी उसके बाद से इन्हितात शुरू हो गया कराची स्टार्टेड गोइंग डाउनहिल। और यहाँ से जो बंगाली थे जो टेलीविज़न में काम करते थे, दफातर में काम करते थे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग थे, वो सब यहाँ से माइग्रेट करके चले गए। तो यहाँ की कल्चरल लाइफ जो थी जिसके अंदर वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करते थे, यहाँ घनश्याम का इंस्टीट्यूट था, अफरोज़ा बुलबुल का इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे बच्चों को डांस की तालीम और म्यूज़िक की तालीम दी जाती थी, ये सारे सिलसिला जो है था ख़त्म हो गया। और फिर टेलीविज़न आ गया और टेलीविज़न से भी एक लोग जो है घरों के अंदर ज़्यादा रहने लगे, जो बाहर जाते थे तफरी के लिए सिनेमा वगैरह देखते थे, वो सारा सिलसिला ख़त्म हुआ। और एक रश की कैफियत, मतलब आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई। और फिर 80s का ज़माना जो था उसमें आ करके क्राइम वगैरह शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता शहर पे सुस्ती सी तारी होने लगी, आबादी आगे बढ़ गई, वसाइल पीछे रह गए, मसाइल हाथ से निकलने लगे। फैसला साजों ने भी शहर को उसके हाल पे छोड़ना शुरू किया तो लोगों ने भी झुंझलाहट, गुस्सा, तोड़ फोड़, अफरा तफरी, खुदगर्ज सियासत की राह इख्तियार की। नित नई माफियाएं और कब्जा ग्रुप उभरने लगे और सियासी, शहरी और माशी इख्तियार ताकत के जोर पे बटने लगा। बेहिसी के साए लंबे होने शुरू हुए तो उसका असर इदारों की कारकर्दगी पे भी पड़ने लगा। 5 इदारे चाहिए होते हैं, उनमें से एक भी फंक्शनल नहीं है। एक तो आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है जो शहर को देखता रहे और उस पर काम करता रहे, और हुक्मरान जो हैं उसकी बुनियाद पे फैसले करें। तो ऐसा था हमारे यहाँ इदारा और अच्छा था भुट्टो साहब के दौर तक। उसका नाम था मास्टर प्लान ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। उसके बाद तो आपको एक इदारा चाहिए जो सियासतदानों का जो फैसला है उसको एक अमली ढांचा उसके बारे में बनाए। इसमें ज़रूरी होता है कि आप लोकल इंटरेस्ट को शामिल करें, जो हमारे यहाँ नहीं किया जाता। अगर शोर और मचाते हैं तो कर लेते हैं। तीसरा इदारा वो है जो उसको असल में बनवाता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। चौथा इदारा वो होता है जो इसको ऑपरेट और मेंटेन करता है। हमारे यहाँ इस कमबख्त बदनसीब इदारे को कोई पैसे नहीं देता। कैपिटल एक्सपेंस के लिए बहुत पैसे हैं, मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। और पांचवा इदारा जो होता है वो कोऑर्डिनेशन का होता है। बेसिकली आपके ये 5 इदारे, और ये हमारे यहाँ हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सब में करप्शन है और हेल्पलेसनेस है क्योंकि मुस्तकिल उन पर डिमांड्स हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इस्तलाह ईजाद तो हो गई है, मगर इस शहर ने गुजरे 70 बरस में जिन लोगों की झोलियां भरी उन्होंने बदले में क्या लौटाया? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देना सीखा ही नहीं, हमने सिर्फ लेना सीखा है। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि लोग जो देना चाहेंगे जो देंगे, मालूम होगा कि वो भीख दे रहे हैं। ये जो जगह इतनी बड़ी खाली हुई है, यहाँ कोई बहुत बड़ा कॉलेज बनाई है जो 24 घंटे डे एंड नाइट काम करें। सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हमारे जितने अस्पताल हैं वो 2 बजे बंद हो जाते हैं और तमाम चीज़ों पर ताला लग जाता है, सामान मौजूद है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि 2 बजे के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक हम लोग इस अस्पताल को चलाएं, जो सामान तो सब रखा हुआ है। किसी भी बड़े शहर की तरक्की महज चकाचौंध से नहीं नापी जा सकती। जदीद मयार ये है कि शहर की आबादी को सेहत की मयारी सहूलतों तक कितनी रसाई है। अहले कराची को फख्र है कि इस शहर ने अब्दुल सत्तार ईदी को पैदा किया, जिसने दुनिया में खैराती एम्बुलेंसों का सबसे बड़ा फ्लीट बना के दे दिया। लेकिन किसी जीते जागते शहर के लिए क्या वाकई ये कोई फख्र की बात है? ईदी की एम्बुलेंस सर्विस चले आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरे सूबे, पूरे शहर के अंदर आपको बहुत अच्छे जगह मिल जाएंगी। हम उसमें भी इजाफा कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, हमारी खामियों को दूर कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे हेल्थ सेक्टर को तो बेहतर भी कर सकती ना। तो पूरे मजमूई तौर पर हेल्थ सेक्टर पर काम करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बड़े शहर की तरक्की नापने का दूसरा मयार ये है कि तालीम की मयारी सहूलतें कितनी रसाई में हैं। आज पारसी 2 स्कूल हैं कराची में, पारसी मामा स्कूल और पारसी बॉय स्कूल। वो प्रिंसिपल कोई का सिफारिश नहीं मांगती, जो डायरेक्ट एजुकेशन भी बोले ये बच्चे को आप एडमिट करें, वो बोलते स्कूल बंद कर दो मैं एडमिट नहीं करूँगी। क्योंकि वो असूल पे चलते कि हमको एजुकेशन देना है वो लेवल का कि ये आगे चल के याद करे स्कूल। ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो सकता। गवर्नमेंट स्कूल का पहले करिकुलम आप बदली करें, गवर्नमेंट स्कूल का करिकुलम बदली नहीं करेंगे तो बच्चे का थिंकिंग नहीं बदली होगा। टीचर एजुकेटेड नहीं हो तो बच्चे कहाँ से एजुकेट होंगे। ये भी सिचुएशन इस शहर ने देखी है कि सरकारी स्कूलों की इतनी अच्छी हालत थी, यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे होते थे, यहाँ के हेडमास्टर्स, यहाँ की मैनेजमेंट स्कूल की इतनी अच्छी होती थी, भले इमारतें अच्छी ना हो लेकिन मैनेजमेंट और टीचर्स इतने अच्छे होते थे कि जो है वो अगर इनमें दाखिला ना मिले सरकारी स्कूल में किसी स्टूडेंट को तो उसको डफर कहा जाता था और वो प्राइवेट स्कूल में जो है वो दाखिला लेता था। अब प्राइवेट स्कूलों का इतना ज़बरदस्त जो है वो होल्ड है और ये टोटल एजुकेशन कराची की जो है, कराची तो क्या पूरे पाकिस्तान की जो है वो टोटल एजुकेशन बिजनेस बन चुकी है। फातमा जना गवर्नमेंट स्कूल जो हमने लिया तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन था जिसमें वो कह रहे थे ये फातमा जना गवर्नमेंट स्कूल। तो जब मैं क्लास 1 में गया तो उन्होंने कहा कि जिंदगी ट्रस्ट को हमने कहा ये स्कूल हमें मिल गया, तो आप तो उन्होंने कहा नहीं वो तो ठीक है आपको फातमा जना गवर्नमेंट स्कूल बोला है, ये फातमा जना नहीं है, इसका नाम बुरहानिया है। वो क्लास 3 में जाएँ वो मैं क्लास 3 में गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो बुरहानिया स्कूल, आप क्लास 4 में देखें बता, मुझे बता नहीं थे फातमा जना के सारे, और बाहर फातमा जना का बोर्ड लगा हुआ है स्कूल का। पता चला यहाँ पर 7 स्कूल चल रहे हैं, अलग 2-3 क्लासरूम्स को अलग अलग स्कूल करार दिया हुआ। तो मैंने पूछा कितने प्रिंसिपल बैठते हैं, उन्होंने कहा 8। तो ये ना मिनिस्टर को पता था उस वक्त, ना सेक्रेटरी को कुछ समझ आ रहा था उस वक्त। तो मुझे एक कोई ईडीओ साहब थे, वो मेरे उनके बच्चे मेरे फैन थे, उन्होंने कहा शहजाद भाई आप ये इधर उधर भागते रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा, मैं आपको बताता हूँ मसला क्या। कह रहे आपको पता है कराची में कितने स्कूल हैं? मैंने कहा कितने? उन्होंने कहा कहते हैं 3,500 हैं बट असल में 900 कैंपसेस हैं। तो अलग अलग क्लासरूम को अलग अलग स्कूल करार दिया हुआ है, टीचर्स को प्रिंसिपल की पोस्ट दी हुई है, तो 2 क्लासरूम जो है वो एक अलग स्कूल है, 2 क्लासरूम कहीं आपने दुनिया में नहीं सुना होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ इतनी थी कि कभी भी वो स्कूल, तो अगर आप जिस एनजीओ से कहेंगे टेक ओवर करें या गवर्नमेंट से भी कहेंगे ठीक करें, आप कर ही नहीं सकते जब तक कि आप कंसोलिडेट नहीं करेंगे। तो मैंने हुकूमत से कहा, उसे मोहम्मद हुसैन साहब होते थे DCO, मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये इतना बड़ा मसला है, किताबें छोड़ दें, टीचर ट्रेनिंग छोड़ दें, बजट छोड़ दें, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैस है, जब तक आप एक, उन्होंने कहा यार ये तो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा कि 3,500 स्कूल हैं उन्हें बंद करेंगे, देखो बंद कर दिए स्कूल। मैं कह रहा हूँ हमारे फातमा जना को जो है ना डिक्लेयर कर दें कि ये कंसोलिडेटेड स्कूल है, एक कैंपस है और एक प्रिंसिपल है। उन्होंने हमारे स्कूल को डिक्लेयर कर दिया कि ये कैंपस है, एक स्कूल है। वो नोटिफिकेशन मेरे हाथ में आ गया, उस नोटिफिकेशन को लेकर 4 साल मैंने लड़ाई की और पूरे कराची के अंदर वो वर्ड मैंने ही उनको दिया था कि इनको आप ये ना करें कि हम बंद कर रहे हैं स्कूल, आप वर्ड यूज़ करें कंसोलिडेशन।
तो फिर वो सारे कराची के ने कंसोलिडेट हुए, अब 900 कैंपस डिक्लेयर हुए हैं, 900 प्रिंसिपल डिक्लेयर हुए हैं, अब एनजीओज वगैरह भी स्कूल लेते हैं तो उनको एक प्रिंसिपल से डील करना पड़ा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, इस तरह की हमने कई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज चेंज की। अगर मैं 100 स्कूल ले लेता तो मैं ये पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता। मैंने एक स्कूल में की, वहाँ पर चलाया, रिसर्च की, बताया, केस स्टडी किया कि यार देखो ऐसे होता है। इसी तरह हमने किताबों के अंदर काम किया, इसी तरह हमने ट्रेनिंग में काम किया और फिर गवर्नमेंट को पुश किया कि आप ये तमाम जगह चेंज करें। तो कंसोलिडेशन से करप्शन ख़त्म हुई, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर मैनेज होना, तो हमारा काम ये है। किसी भी शहर की तरक्की नापने का तीसरा मयार ये है कि आलूदगी से निपटने का कितना शऊर और इंतजाम हैं। आलूदगी के जो मयार ज़िंदगी पे बराह रास्त असरअंदाज होती है। मैं आपको बताऊं कि 1947 में इस पानी में हमें स्विम करता था और 20 फुट नीचे भी जब खेखरे चलते थे हमें दिखाई देते थे और मछलियाँ चलती थी हमें दिखाई देते थे। और मैं यहाँ पे 1962-63 तक मैं यहाँ स्विमिंग करता था। फिर 62 के बाद मैं स्विमिंग तो नहीं करता पर वाटर स्कीइंग करता था, और वाटर स्कीइंग में करता था टिल 1968-69। उसके बाद बहुत गंदा हो गया। समुद्र बिल्कुल साफ सुथरा था। मुझे याद है कि इस जगह जहाँ बैठे हुए ना, ये जो समंदर का किनारा था ये बिल्कुल साफ लाल रेत, और हम जो है ना नहाते थे इधर आकर, और फुटबॉल भी हम जो है ना खेलते थे यहाँ समंदर के किनारे पर। आज भी ये वो समंदर है कि इसमें जो है ना पाँव रखते हुए आदमी को तकलीफ होती है कि गटर में पाँव रख रहे हैं। आप कराची में देखें, सारी मरीन लाइफ आपकी चली गई यहाँ से। 600 मिलियन गैलन आप रोज डंप करते हैं समंदर के अंदर, डॉल्फिन्स नज़र आते हैं जैसे। आपके मैंग्रोव्स आप देख लें क्या हो रहा है, आपका पानी देख लें, आपकी सब्जी देख लें, आप आर्सेनिक आपके हर पानी के अंदर आपको मिल रहा है। आपकी बेस्ट मल्टीनेशनल्स जो बना रही हैं बॉटल्स उसके अंदर, मैं कह रहा हूँ, और हमारे अंदर जितनी भी हिम्मत हो ये ख़त्म हो जाएगा। बट ह्यूमन हिस्ट्री तो ऐसे ही है, ख़त्म होती है, इवॉल्व होती है, फिर बड़ी होती है। बट हम ये कैसे होप दे दें कि भाई हम बड़े जानदार हैं दोबारा खड़े? नहीं यार, ये बहुत जुल्म है। किसी भी शहर की तरक्की और हम आहंगी का मयार नापने का चौथा मयार ये है कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं और बाहमी लिसानी और समाजी नज़ाकतों से किस कदर वाकिफ हैं। इस वक्त जो है मुझे, मेरी नज़र में दो कराची हैं। एक वो कराची है जो बैनुल अक़वामी शहर है, रोशनियों का शहर है। दूसरी कराची जो है ना वो कराची है जहाँ कराची को बनाने वाले रहते हैं। ये जो रोशनी के शहर वाली जो कराची के लोग हैं ना, ये कराची को उन्होंने ख़राब किया है। कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफत था। पाकिस्तान बनने के बाद तो पाकिस्तान का दारुल खिलाफत हो गया। कराची का सिंध से रिश्ता टूट गया और वो रीस्टैब्लिश हुआ है जाके 1968-69। अब ये मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो कराची की शक्ल क्या होती। एक चीज़ तो मुझे यकीन है कि अगर ऐसा ना होता तो मेरे जो बच्चे हैं वो सिंधी ज़रूर बोलते। ये एक बहुत बड़ा हादसा था मेरी नज़र में। आप अगर इसे देखें शहर को, तो ये असल में चार शहर हैं। आप ये देखिए कि ये चारों शहर मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम्स हैं इनके यहाँ, मुख्तलिफ तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है इनके यहाँ, मुलाजमतें मुख्तलिफ हैं, लोकल जो हैं यहाँ वो मुख्तलिफ हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ मुख्तलिफ किस्म की हैं, और ये सिर्फ एक जगह मिलते हैं और वो सी व्यू है। इसके अलावा इनकी कहीं मुलाकात नहीं होती आपस में। तो ये वक्त लगेगा, कल्चर ज़रूर होगा कराची का, चाहे पानी हो या ना हो कल्चर ज़रूर होगा। वैसे तो कराची दुनिया के 5 गुंजान आबाद शहरों में शामिल है, मगर सख्त जानी के एतबार से शायद अव्वल दर्जे पे है।
बदतरीन हालात में भी इसने जीना तर्क नहीं किया। मेरा ख्याल है कि हर शहर